नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश भर में 11 मार्च को सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद सीएए लागू हो गया है। जैसा कि इस कानून में पहले ही था कि मुस्लिम समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित हैं तो उन्हें भारत में न सिर्फ शरण बल्कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सीएए आखिर काम कैसे करेगा। इससे जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले तो सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में पहले ही कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। कुछ लोगों को यह संशय था कि उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएए को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही थी। सबसे पहले तो ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदनकर्ताओं को पहले सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वो साल बताना होगा जब वे भारत आए थे। इसके अलावा किस माध्यम से भारत में आए थे, वीजा, इमिग्रेशन स्टैम्प समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी। जो आवेदन किया गया है वो सबसे पहले जिला कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद वो एम्पावर्ड कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इस कमेटी में आईबी, फॉरेन, रीजनल, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और फिर राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे जो जरूरी पूछताछ भी कर सकते हैं। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि वे इन तीनों में से किस देश के निवासी थे और उनके गैर मुस्लिम होने का प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक पत्र और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके अलावा आवेदक भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह वगैरह ये सब चीजें दिखाकर भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा पूरी कुंडली दिखानी होगी, मतलब माता पिता का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं, कहां से रह रहे हैं, भारत में शादी की या फिर पहले से थी। वहीं बच्चों के लिए इसमें अलग से फॉर्म दिया जाएगा। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे में सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा है तो उसका फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। सारी जांच प्रक्रिया में क्लीन पाए जाने के बाद नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाएगा, शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सशक्त समिति को दस्तावेजों को सत्यापन के संबंध में पुष्टि के साथ आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर भारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी या फिर किसी भी प्रकार के संतोषजनक जानकारी न मिलने पर नागरिकता कैंसिल भी की जा सकती है। गृह मंत्री पहले ही कह चुके थे कि इसमें किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगी। दिल्ली के शाहीनबाग में इसको लेकर के लंबे समय तक प्रोटेस्ट भी रहा, प्रदर्शन भी रहा। इसके अलावा दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। लेकिन जो सारा मुद्दा ये है कि किसी की भी ना तो नागरिकता जाएगी और ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो सताए हुए हैं, प्रताड़ित किए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों से। कैसी लगी यह जानकारी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।